दोस्तों नमस्कार, आपका एम एस चौहान फैब्रिक गन चैनल में आपका स्वागत है। अनकट वीडियो है, गलतियों पर ध्यान ना दें। दोस्तों आज बात करते हैं वुलन गारमेंट के ऊपर। वुलन गारमेंट में अक्सर आपने देखा है कि हमारे स्वाटर जर्सी वगैरह में रुएं टाइप आ जाते हैं, उसे पिलिंग कहते हैं। तो पहले बात करते हैं पिलिंग आते क्यों हैं, ये पिलिंग हम कैसे रोक सकते हैं, उपचार बाद में बताऊंगा, पहले उसको ये देखें ये होता क्यों है, इसकी रोकथाम पहले की जाए। कि गारमेंट को हम पहन के सो जाते हैं, स्वाटर जर्सी को पहन के सो जाते हैं कई बार, तो उससे आती है एक तो, और दूसरा कपड़े को जब वॉश करते हैं, कपड़े को वूलन कपड़े को कभी भी मशीन में वॉश ना करें, और यदि मशीन में वॉश करना भी है तो उसको एक या दो कपड़े डालें, पानी की मात्रा ज़्यादा हो। ये नहीं कि बहुत सारे कपड़ों के साथ डाल दिया तो उलझ जाएगा, वो एक दूसरे की रगड़ लग के उसमें पिलिंग आ जाएगी। तो कपड़े को पहली बात तो हाथ से धोएं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मिजाज के होते हैं जो वुलन कपड़े होते हैं, इनको धोने के लिए सोडे का बिल्कुल यूज़ ना करें, किसी भी सोडे का, कोई भी सोडा यूज़ ना करें। इसको सॉफ्ट डिटर्जेंट, लिक्विड सोप, ईजी वगैरह उसमें करें जिसके अंदर सोडे की मात्रा बहुत कम हो। गर्म पानी में ना धोएं, ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, नॉर्मल पानी जो सादा पानी होता है उसके अंदर धोएं। कोई ब्लीच वगैरह इस पे यूज़ ना करें, और प्रेस करनी है तो इसके ऊपर कपड़ा रख के या फिर कोई पेपर रख के उसको हल्का प्रेस करें, हल्की हल्की मतलब जो प्रेस है हल्की करें। तो दोस्तों अगर आपके कपड़े में पिलिंग आया है तो पिलिंग के लिए आपको क्या करना है, कि अगर आप उसको टेप से यानी जो सेलो टेप वगैरह से निकालोगे तो वो निकलेगा नहीं, वो और ज़्यादा रुएं आ जाएंगे उसमें। उसके लिए क्या है कि आपको घर पे उपचार करना है, जो तो रेजर जो शेप बनाने वाला रेजर होता है उसको बहुत सावधानी से कपड़े को बिल्कुल सीधा करके बिछा लें, और हल्के हाथ से उसको निकालें, बिल्कुल हल्के हाथ से। और दूसरा ऐसे केमिकल होता है बायो पॉलिश होती है, उसको आपको मशीन में निकालना पड़ेगा। कि जैसे आपके दो गारमेंट हैं तो दो गारमेंट के लिए आप 5 लीटर पानी लो, और 5 लीटर पानी में 50 ग्राम बायो पॉलिश डालें और उसको घुमाएं, तो वो क्या है कि पिलिंग को, इसको जो रुएं हो जाते हैं रुएं को हटा देती है। वैसे तो जो इंडस्ट्री में जो चलता है वो बड़ी मशीनों में और गारमेंट होते हैं जैसे होजरी वगैरह, उसमें पिलिंग होती है या रियोन पिलिंग आ जाती है उसके लिए, लेकिन आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। बाकी इजी तो ये है कि आप उसको रेजर से निकालें, रेजर से निकालेंगे बहुत ही आराम से निकल जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी पहले कोशिश ये की जाए कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। कपड़े को उल्टा करके वॉश करें, जब भी करें हल्के हाथ से उसकी मलाई करें, क्योंकि ये इतना नाजुक होता है कि जैसे आप डिटर्जेंट में डालोगे इसको ये मैल को अपने आप ही छोड़ देता है, क्योंकि इसके जो रुएं होते हैं, जो इसका यान है या सूत है इसका, वो बिल्कुल ही एक फूला हुआ होता है, ये मतलब बहुत टाइट नहीं होता, तो वो मैल को पकड़ता नहीं है, मैल इसका आराम से निकल जाएगा जैसे ही आप उसको किसी डिटर्जेंट में डालोगे, वो ऑटोमेटिक अपना आप ही उस मैल को छोड़ देगा। ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं कपड़े, इसको हल्के से हाथ से आप एक दो बार सर्फ के पानी में ऊपर नीचे डिप करोगे तो वो वैसे ही निकल जाता है। और मान लो ज़्यादा इसमें कोई स्टेन वगैरह लग गया तो हल्का सा उसके अंदर डिटर्जेंट लगा के हल्के हाथ से उसको आप मलाई करो, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो तो काफ़ी लंबी है, लेकिन एक शॉर्टकट में बताया है कि ये प्रॉब्लम होती है अक्सर कंबल वगैरह में, ब्लैंकेट वगैरह में हो जाती है ये, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है उन्हीं कपड़ों में। सबसे पहली बात है हमें उनको सुरक्षा कैसे करनी है, सुरक्षित उनको रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, आ भी गई है तो आप प्लीज़ ये उपचार कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना सर।
जो भी आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करेंगे, तभी आगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो देखने तो आगे फिर जो बेल वाला बटन है उसे ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले विषय के ऊपर। नमस्कार।